फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सीरीज लेकर के मैं आ गई हूँ। मेरे पास कम से कम 11-12 हज़ार क्वेश्चनों का सीरीज है जो सेट कर करके है। दोस्तों, जैसे सेट ए में 10-12 अभ्यास हैं, उसी प्रकार कई सेट हैं। तो दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करा सकूं। चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। एक एक चैप्टर का थ्योरी सेशन डिटेल में बताया गया है। जो भी एक आध पॉइंट छूटा हुआ है, मैं बीच में कोशिश करूंगी टाइम निकाल करके कि उसको भी मैं बना दूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपका बीपीएससी TI 3 जो है, उसका होली के बाद एग्जाम जस्ट हो सकता है, इसलिए आप बैठिएगा नहीं, निरंतर तैयारी करते रहिएगा। और जो भी आने वाले और एग्जाम्स है, जैसे MP का आपने टेट निकाला हुआ है, तो MP का जो मेन एग्जाम होगा, एंड जो भी अदर स्टेट में ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबका ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और डेली बेसिस प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आप सबको पता है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार के रूप से उसको सशक्त बनाना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक शिक्षा को कौन सा शैक्षणिक अनुशासन मजबूती प्रदान करता है? तो दोस्तों, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, साइंटिफिक थ्योरी है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत, वो उसको अनुशासन, शारीरिक शिक्षा के अनुशासन को, शैक्षणिक अनुशासन को मजबूती प्रदान करता है साइंटिफिक थ्योरी। एंड नेक्स्ट है, ग्लेडिटोरियल कैम्बोइड किसके प्राचीन कालीन इतिहास से संबंधित है? तो दोस्तों, ग्लेडिटोरियल कैम्बोइड जो है, वह रोम में आयोजित होता था। रोम में जो काफी प्रसिद्ध था, जिसको आयोजन जो है एम्फी थिएटर में किया जाता था, जिसमें कुछ सैनिक अभ्यास किया कराया जाता था, खड़ग क्रियाओं का अस्तित्व अभ्यास उसमें कराया जाता था। नेक्स्ट दोस्तों, किसे एशियन खेलों का संस्थापक माना जाता है? तो आपको पता है कि जैसे आधुनिक ओलंपिक खेल के पितामह, यानी शुरू करने का श्रेय बैरन पियर डी कोबर्डिन को जाता है, उसी प्रकार एशियन खेलों के शुरू करने का श्रेय प्रोफेसर GD सोंधी को जाता है। इन्हीं के प्रयास से एशियन गेम शुरू किया गया और प्रथम एशियन गेम 1951 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के वर्तमान वैज्ञानिक युग में किसे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे विकसित राष्ट्र कहा जाता है? तो दोस्तों, यह है अमेरिका। नेक्स्ट है, समाज में तथा शिक्षा में शारीरिक शिक्षा किस आधार पर महत्वपूर्ण स्थान अर्जित कर सकती है? तो दोस्तों, एक अच्छा नेतृत्व क्षमता के रूप में यह अर्जित कर सकती है। नेक्स्ट है, रूस में शारीरिक शिक्षा के संबंध में किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रूस में शारीरिक शिक्षा के को शारीरिक संस्कृति, यानी कि फिजिकल कल्चर बोला जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। रूस में शारीरिक शिक्षा को फिजिकल कल्चर, यानी कि शारीरिक संस्कृति बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में शारीरिक शिक्षा के संबंध में शिक्षक प्रशिक्षण को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक संस्था कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा भी था, हर बार पूछ रहा है। तो भारत में शारीरिक शिक्षा, यानी सभी शिक्षाओं के संबंध में शिक्षक प्रशिक्षण को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक संस्था है NCTE, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो इसका फुल फॉर्म जो है BPSC TI 2 में पूछा हुआ था। कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, बस दो ऑप्शन जो लास्ट में था, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, उसी के चलते आप लोग कंफ्यूज थे, लेकिन सभी पढ़ाया हुआ टॉपिक आया था। तो दोस्तों, NCTE का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और NCTE की दोस्तों ये स्थापना जो हुआ है, NCTE की
17 अगस्त 1995 में हुआ है। और दोस्तों एनसीटीई जो है भारत की शिक्षा प्रणालियों के मानक और उनके कार्य को निर्धारित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों एनसीटीई का पूरा नाम क्या है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था और किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं आ रहा है जो मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं कराया है। बस आप मेरे साथ डेली बेसिस पे जुड़े रहिए, एक एक क्वेश्चन को पूरा देखिए, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता है, ओनली आपके पढ़ाई से संबंधित ही बात होता है। तो एनसीटीई का पूरा नाम क्या है, अभी मैं जस्ट बताई हूँ। एनसीटीई का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। नेक्स्ट है यूजीसी का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको हम हिंदी में कहेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंग्लिश में कहेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में हुआ दोस्तों। और इसका कार्य क्या है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य है उच्च शिक्षा में शिक्षकों की वेतन, शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, इन सब में संशोधन का इसको अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी 27 जुलाई 1961 में इसको स्थापित किया गया। और एनसीईआरटी जो है केंद्र व राज्यों के स्कूलों को शिक्षा के लिए परामर्श देता है। तो दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आजकल ज्यादा एग्जाम में प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और इजी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग एंड सेंटर। नेक्स्ट है एनएएसी का पूरा नाम क्या है, तो एनएएसी का पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। नेक्स्ट है एआईयू का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों एआईयू का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है किसी गामक कौशल के क्रियान्वित करने के लिए प्रयास एवं त्रुटि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह एक थ्योरी है जो प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर के द्वारा ही इंसान या बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट है किस दर्शन शास्त्र को एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है, तो दोस्तों प्रयोगवाद को यानी प्रैग्मेटिज्म को, जिसे व्यवहारवाद भी कहा जाता है, उसे एक्सपेरिमेंटिज्म कहा जाता है। जो प्रयोगवाद है उसके व्यवहारवाद या प्रयोगवाद या प्रैग्मेटिज्म या एक्सपेरिमेंटिज्म या डिवाइज्म के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोगवाद के जो जनक हैं जॉन डीवी हैं, और प्रयोगवाद कहता है यानी अनुभव यानी प्रैक्टिस को ही वो मूल मंत्र मानता है। तो सफलता एक अनुभव की कुंजी होती है। व्यवहारवाद यानी प्रयोगवाद क्या कहता है कि सफलता जो है एक अनुभव की कुंजी होती है दोस्तों। अनुभव यानी कि प्रैक्टिस, जितना आप किए रहेंगे, जैसा कि सत्य भी है जो जितना प्रैक्टिस करता है उतना महान होता है। तो अनुभव यानी कि सफलता, अनुभव ही सफलता की कुंजी है, ये प्रयोगवाद में कहा गया है। और इसके प्रयोगवाद के जनक है जॉन डीवी, और याद रखिएगा आदर्शवाद यानी आइडियोलिज्म के जनक है प्लेटो, और आइडियोलिज्म विचारवाद पर आधारित है। प्रकृतिवाद के जनक है रूसो, और जो केंद्र बिंदु है विश्व के भौतिक तत्व को मानता है, और यथार्थवाद के रियलिज्म के जनक है अरस्तु। यही क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद एंड प्रकृतिवाद, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनुष्य की वृद्धि जायगोट से प्रारंभ होती है, इसको अंडे किस नाम से जाना जाता है, जब दोनों अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं और जो उस प्रक्रिया का जो भ्रूण का जन्म होता है, शुरुआत होता है, उसी को जायगोट कहा जाता है। तो दोस्तों
मनुष्य की वृद्धि जायगोट से प्रारंभ होती है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको गैमेटर सेल सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महिला व पुरुष सिर्फ एक चीज को छोड़कर अलग अलग होते हैं, तो शारीरिक बनावट में भी अलग होते हैं, मानसिक क्षमता में भी, संरचना में भी अलग होते हैं, और कायिकी क्रिया यानी कि फिजिकल क्रियाओं में अलग नहीं होते। नेक्स्ट है, जिम्नास्टिक की ज्यादातर मुख्य प्रणालियां किस देश से उद्धत हुई हैं? तो दोस्तों जैसे कि जिम्नास्टिक को ज्यादातर तो जर्मनी में देखा जाता है, और जर्मनी में सारे जिम्नास्टिक के जनक हैं गर्समर्स, ठीक है, क्रिस्टोफर गर्समर्स, जो जर्मनी में जिम्नास्टिक के जनक कहा जाता है उनको। एंड यहाँ पे पूछा है जिम्नास्टिक की ज्यादातर मुख्य प्रणालियां, जो मुख्य मुख्य प्रणालियां हैं किस देश से उद्धत हुई है, तो स्कैंडिनेविया यहाँ पे राइट दिया हुआ है। स्कैंडिनेविया क्या है कि उत्तरी यूरोप के देश जिनके संस्कार व भाषाएं मिलती जुलती हैं, यह देश है स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, फिनलैंड, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो दोस्तों जो साई है उसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो है दक्षिणी केंद्र है बंगलुरु में, पश्चिमी है, पूर्वी है कोलकाता, और उत्तरी है चंडीगढ़, केंद्र में है दिल्ली, पश्चिमी केंद्र है गांधीनगर, और उत्तर पूर्वी है इम्फाल। ये 6 केंद्र हैं, तो इसमें से कलकत्ता है, बंगलुरु है, गांधीनगर है, बट रांची नहीं है। साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ था, और साई के 2 अकादमिक शैक्षिक खंड हैं, जैसे खेलों के लिए यानी प्रशिक्षण के लिए NSNIS पटियाला, और सारे शिक्षा के लिए LNCP त्रिवेंद्रम, यानी कि जो 17 अगस्त 1985, और रानी लक्ष्मीबाई के सारे शिक्षा जो है LNCPE जो 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया उसी का संस्था है, त्रिवेंद्रम में जो 1985 में बनाया गया वो सारे शिक्षा के लिए अकादमिक खंड है। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन भारत के इतिहास में सारे शिक्षा से संबंधित सबसे अधिक इतिहास किस काल में मिला है? तो सबसे अधिक इतिहास मिला है हिंदू काल में। नेक्स्ट है, आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आदर्शवाद आइडिया यानी कि विचारों पर आधारित है, इसका मनुष्य प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण इसमें माना गया है, और इसका विचार है सत्यम शिवम सुंदरम। आदर्शवाद के जन्मदाता है प्लेटो। दोस्तों जैसे कि आपको प्लेटो का विचार था कि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, आकर्षक, सुदृढ़ एवं प्रतिभाशाली होना चाहिए, और प्लेटो के बाद जब अरस्तु ने केवल शारीरिक नहीं उसके अतिरिक्त मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक आध्यात्मिक को भी जोड़ा, तो उन्होंने क्या कहा कि बौद्धिक मानसिक और आध्यात्मिक गुणों को भी मनुष्य का महत्वपूर्ण आदर्श माना जाता है, और आत्म अनुशासन के लिए क्रीड़ा एवं खेलों का होना आवश्यक है। आत्म अनुशासन के लिए खेल क्रीड़ा एवं खेलों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल में मांसपेशीय क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती? शूटिंग में ही पड़ती है, तीरंदाजी में, ताइक्वांडो में, बट शतरंज में उतना ज्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, यानी साउंड माइंड इन लिवे साउंड बॉडी, यह जो है उक्ति है, यह बात कही है अरस्तु ने, अरस्तु से यथार्थवाद के प्रवर्तक। तो यह किस दर्शन शास्त्र से संबंध रखता है? यथार्थवाद से, रियलिज्म से। नेक्स्ट है, अगर एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी को हैंडबॉल खेल सिखाया जा रहा है तो इस प्रक्रिया को, इस क्रिया में स्थानांतरण का प्रभाव कैसा रहेगा? दोस्तों सीखने का स्थानांतरण सिद्धांत 3 होता है, सकारात्मक यानी कि धनात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा शून्य स्थानांतरण, यानी कि पहले का सीखा हुआ कोई स्किल या क्रिया नए कार्य सीखने में सहायता कर रहा है तो वहां पे धनात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण होगा। यदि नए कार्य में सीखा गया स्किल या हुनर नए कार्य सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है।
यदि पुराना सीखा हुआ कार्य या स्किल नए कार्य सीखने में न तो सहायता कर रहा है न तो बाधा उत्पन्न कर रहा है, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं शून्य स्थानांतरण स्थिति। यहाँ पे बास्केटबॉल के खिलाड़ी को हैंडबॉल खेल सिखाया जा रहा है तो यहाँ पे जब वो सहायता कर रहा है तो यहाँ पे धनात्मक स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना 1956 में किसने शुरू किया, तो दोस्तों यह अखिल भारतीय खेल समिति ने किया। सॉरी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना 1956 में किसने शुरू किया, इसका राइट आंसर होगा घ शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की केंद्रीय सलाहकार समिति। नेक्स्ट है फ्रेडरिक लुडविक जान ने जर्मनी में किस प्रकार के जिम्नास्टिक को प्रचलन में लाया, तो फ्रेडरिक लुडविक जान ने जर्मनी में, इन्होंने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखा है, इन्होंने पेट्रियोटिक जिम्नास्टिक नामक जिम्नास्टिक को प्रचलन में लाया। नेक्स्ट है आईओए का गठन कब किया गया, आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ का जो गठन है 1927 में सर दोराबजी टाटा के निर्देशन में किया गया और वर्तमान में आईओए के अध्यक्ष हैं पीटी उषा, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा वस्तुतः किसका क्रियात्मक रूप है, तो दोस्तों यह मनोरंजन का क्रियात्मक रूप है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष रूप से शारीरिक प्रशिक्षण किसके लिए अधिक अनुकूल रहता है, तो दोस्तों यह सैनिकों के लिए ज्यादा अनुकूल रहता है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने ग्रामीण खेलों के विकास के लिए किस सत्र में कार्यक्रम शुरू किए थे, तो दोस्तों ग्रामीण खेलों के विकास के लिए भारत सरकार ने 1970-71 में कार्यक्रम सत्र को शुरू किया था। नेक्स्ट है भारत देश में खेलों के विकास का नियंत्रण किसके हाथों में होता है, तो दोस्तों भारत देश में खेलों के विकास का नियंत्रण युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन रहता है, जो युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में अनुराग ठाकुर है। नेक्स्ट है समाज शास्त्र के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है, दोस्तों समाज में मूल्य यानी कि रीति रिवाजों पर जोर दिया जाता है, तो समाज शास्त्र के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक मूल्य आधारित शिक्षा है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। नेक्स्ट है किसने सबसे पहले शरीर के परिमाण एवं आकार के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी था कि सेल्डन का बॉडी टाइप क्या कहलाता है, तो शरीर के परिमाण और आकार के आधार पर सेल्डन ने सबसे पहले शरीर को वर्गीकृत किया और इन्होंने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक तीन भागों में बॉडी टाइप को बांटा। एंडोमॉर्फिक को बिस्ट्रोटोनिक भी कहा जाता है, जो गोलकाय शरीर जिसका मान होता है 7:1:1 और एंडोमॉर्फिक गोलकाय शरीर, शरीर मोटा कोमल बहुत खाने की प्रवृत्ति वाला आराम तलब विरोध प्रिय मिलनसार होता है और यह ज्यादातर उन खेलों में ज्यादा अच्छा होता है जिसका संबंध मुख्य रूप से ताकत से स्ट्रेंथ से होती है, जैसे पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, सुमो कुश्ती आदि, और जैसे कि एजिलिटी स्पीड वाले एरोबिक क्षमता वाले खेल होते हैं उसमें प्रदर्शन ये अच्छा नहीं कर पाते। दूसरा होता है पेशी प्रधान यानी मेसोमॉर्फिक, जो सुडोलकाय बॉडी होता है, इसको सोमेटोटोनिक भी कहा जाता है, इसको सोमेटोटोनिक स्केल है 1:7:1 और मेसोमॉर्फिक यानी कि मांसपेशी प्रधान मसल्स प्रधान होता है, सुडोलकाय बॉडी होता है, अस्थि पिंजर वो पेशियां जो है विकसित होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा, बदन फर्तुला, साहसी, उत्साही, निडर, सशक्त, अधिकारपूर्ण, कठिनाई में अधिक सक्रिय रहता है, यह ताकत, स्ट्रेंथ, स्पीड, चपलता सभी प्रकार के लिए अच्छा होता है बॉडी। एंड तीसरा होता है अस्थि प्रधान संरचना यानी एक्टोमॉर्फिक बॉडी, जो लंबकाय दुबला पतला शरीर होता है, जिसे सेरेब्रोटोनिक प्रमस्तिक प्रधान यानी कि ज्यादा बुद्धिमान होता है, यह लंबा दुबला कमजोर सुंदर होता है, यह एकांत प्रिय असामाजिक व अंतर्मुखी अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, दूसरों की सहायता लेने की अपेक्षा अपनी सीमाओं में रहने का प्रयास करते हैं और यह सहनशीलता यानी एंड्योरेंस वाले खेलों तथा जिम्नास्टिक में ज्यादा
अच्छा होते हैं। याद रखिएगा सभी के लिए विशेषताएं मैंने बता दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग किसी काम का नहीं होता है? तो दोस्तों कौन सा, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था दोस्तों, जो है हमारा कान, बाल, नाखून सब किसी काम के हैं, जो लेकिन जो हमारे रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे वाला भाग है कॉक्सिजियल, सेक्रल कॉक्सिजियल, जो चार हड्डियां होती हैं और वयस्क होने पर एक बन जाती है, तो जिसे अणु कॉक्सियल जो हड्डियां होती हैं जिसे अवशेषी अंग के रूप में कहा जाता है। दोस्तों बीपीएससी टीआई 2 में यह पूछा हुआ था कि मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग है, तो कॉक्सिजियल आपका अवशेषी अंग है, जो पहले पूंछ हुआ करता था वही कॉक्सिजियल हुआ करता था, बाद में वो पूंछ यानी कॉक्सिजियल समाप्त हो गया, अब इसको एक अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है जिसका कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर के किस अंग द्वारा किसी के मानसिक गति का पता लगाया जा सकता है? तो दोस्तों उसकी आंखों के द्वारा, किसके द्वारा, आंखों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध निम्न में से किसका है? तो दोस्तों वो है आपका माँ और बेटी का। नेक्स्ट है, किस विज्ञान में प्रयोग एवं अनुप्रयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो दोस्तों मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कि शरीर का पर्याप्त शारीरिक विकास निम्न में से किसके बिना संभव नहीं है? तो दोस्तों अतिभार यानी कि ओवरलोड के बिना यह संभव नहीं है। प्रशिक्षण भार मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रशिक्षण भार यानी कि जो लोड होता है यानी अति भार नहीं होना चाहिए दोस्तों, प्रशिक्षण भार होना चाहिए, ट्रेनिंग लोड होना चाहिए, एक मिनिमम ऑप्टिमल होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। ट्रेनिंग भार ये होता है कि जो आप डेली बेसिस पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ाया जाता है, उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ाया जाता है, और जिससे बिना ट्रेनिंग लोड के आप का जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए ट्रेनिंग लोड को देना आवश्यक होता है। ठीक है, ट्रेनिंग लोड के जो है दो घटक होते हैं, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, यानी कि यदि समय कम रहेगा तो तीव्रता ज़्यादा रहेगा, समय ज़्यादा रहेगा तो तीव्रता कम रहेगा। तो दोस्तों यानी कि ट्रेनिंग भार के कारण शरीर में शारीरिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि लोड जो होता है एक सामान्य कैपेसिटी या नॉर्मल स्थिति से थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, और बिना ट्रेनिंग भार के खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि और प्रदर्शन का स्थायीकरण संभव नहीं होता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लोड देना बहुत आवश्यक है। दोस्तों यदि आपका परीक्षा है, मान लीजिए आपका प्रतियोगिता है, पेपर आपको देना है, कंपटीशन को निकालना है, तो आप डेली बेसिस पर जितना 2 घंटा पढ़ रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा लोड बढ़ाना होगा, अपने आप पर समय को बढ़ाना होगा, तभी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि यदि एक सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी जो प्रतियोगी हैं पढ़ रहे हैं, अगर आपसे ज़्यादा वो तैयारी कर चुके हैं आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे भी ज़्यादा होना पड़ेगा, अगर जो 4 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 6 घंटा या 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको बीट कर पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक्टोमॉर्फिक शरीर वाला व्यक्ति निम्न में से किस क्रिया के लिए अनुकूल होता है? मैं जस्ट बताई हूँ, एक्टोमॉर्फिक जो अस्थि प्रधान होता है, सेलन का तीसरा प्रकार है, और यह दुबला पतला शरीर होता है, और यह एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता वाले खेलों के लिए ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुशासन योजना का गठन कहाँ हुआ? एनडीएस राष्ट्रीय अनुशासन योजना का गठन 1954 में किया गया था, कस्तूरबा निकेतन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, स्वर्गीय महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला नरेश निम्न में से किस समिति के शीर्ष स्थान पर थे? तो यह एडहॉक इंक्वायरी कमेटी यानी कि तदर्थ समिति के मुख्य थे। तदर्थ समिति जो है वह बनाया गया था दोस्तों, जो एडहॉक इंक्वायरी कमेटी है
वह अभी याद नहीं आ रहा है दोस्तों कब बनाया गया था, सदर समिति। तो मैं आपको बता दूंगी अगले वीडियो में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSNIS यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों इसका मुखिया होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दोस्तों NSNIS 7 मई 1961 को इसका पटियाला पंजाब में स्थापना किया गया था, जो एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है और ये सारी शिक्षा का मक्का भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खेल चिकित्सकीय शास्त्र में किस भारतीय संस्थान ने 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को शुरू किया? तो वह है NSNIS पटियाला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शरीर का प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा किए गए मुख्य शरीर के प्रकारों में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे एम्बीवर्ट, एस्थेनिक एंड एक्टोमोर्फिक है, बट मेंटोनेंट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खेल राष्ट्रमंडल देशों में काफी लोकप्रिय है? तो वह है दोस्तों क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट। नेक्स्ट है, पर हेनरिक लिंक के द्वारा निम्न में से जिम्नास्टिक का वर्गीकरण नहीं है? तो दोस्तों पर हेनरिक लिंक जो है वह स्वीडन के, पर हेनरिक लिंक जो है वह स्वीडन में व्यायाम को क्रमबद्ध तरीके से आरंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा, शैक्षिक जिम्नास्टिक, सैनिक जिम्नास्टिक, स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक एंड कलात्मक जिम्नास्टिक। तो यहाँ पे एजुकेशन जिम्नास्टिक हो जाएगा, सैनिक जिम्नास्टिक यानी मिलिट्री जिम्नास्टिक हो जाएगा, एस्थेटिक यानी कि स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक भी हो जाएगा, बट कलात्मक जिम्नास्टिक यहाँ पे नहीं दिया है, एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक नहीं होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग निम्न में से चौड़ा होता है? दोस्तों जो कुल्हा वाला, हिप वाला भाग होता है महिलाओं का चौड़ा होता है, इसलिए सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट जो है पुरुषों से महिलाओं का नीचे होता है, जिसे महिलाएं संतुलन वाली क्रियाएं ज्यादा कर सकती हैं। नेक्स्ट है, स्वीडन द्वारा 1939 तथा 1949 में क्रमशः प्रथम व द्वितीय लिंगयार्ड खेलों का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो दोस्तों 1939 और 1949 जो स्वीडन में लिंगयार्ड उत्सव मनाया गया था, जलमल लिंग के, पर हेनरिक लिंग के पुत्र जलमल लिंग के वर्षगांठ मनाई गई थी, जिसमें द्वितीय लिंगयार्ड यानी कि 1949 में भारतीय व्यायाम दल के रूप में हनुमान व्यायाम प्रसारक शाला प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र में सारी गतिविधियों का सुंदर वर्णन किया गया। तो यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य था स्वीडन की जिम्नास्टिक को लोकप्रिय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के उस अवस्था को बताइए जिसमें यौन रचना के अलावा किसी शारीरिक रचना में अंतर नहीं पाया जाता। तो वो होता है दोस्तों प्यूबर्टी में, जो किशोरावस्था के पूर्व की अवस्था होता है, जिसमें लड़के लड़कियां सेम क्रियाएं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्यूबर्टी आपका 9 से 11-12 साल की उम्र का बाद यहाँ पे हो रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आघात के कारण हड्डी का कई जगह से टूट जाना कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? तो दोस्तों एक ही हड्डी कई जगह पर टूट जाती है, उसको कम्युनिटेट फ्रैक्चर कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा कमेंट में बताइए दोस्तों, मैं कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।